और right, so, दोस्तों वे वे, वे गुड इवनिंग टू तो ऑल ऑफ यू फिर से एक बार इस लाइव सेशन के अंदर बुधवार के शाम के नौ बजे के लाइव सेशन के अंदर मैं मितुल मेहता आपका हार्दिक स्वागत करता करना चाहता हूं सो फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग उम्मीद मैं करता हूं कि आप सारे लोग यू नो यू आर सिटिंग विद अ पेन एंड पेपर क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं और ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली लिंक है इन इन योर सक्सेस अ स्टॉक मार्केट मतलब आज का जो सेशन है इसके अंदर हम मेजर डिस्कशन करने वाले हैं ऑन अ टर्मिनल मैनेजमेंट टर्मिनल यानी जो आपका कॉम्प्यूटर आपके ले

इसके ऊपर एक मैं सेशन करूंगा तो आज ये उसी के टॉपिक uh, को मैं यहाँ पे कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ दिस इज बेसिकली अ कंटिन्यूशन ऑफ अ सीरीज जहां पे हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में हम यहाँ पे सीख रहे हैं नाउ मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने सारे लोग uh, ये स्विंग सीरीज ऑलरेडी देख चुके हैं और इस स्विंग सीरीज के अंदर ऑलरेडी यू नो तीन सेशन uh, ये मैं कर चुका हूँ और आज का जो सेशन है दिस इज माई फोर्थ सेशन इन द स्विंग सीरीज और यहाँ पे हम टर्मिनल मैनेजमेंट को हम देखने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं

राइट right, अब स्टॉक मार्केट में टाइम को टाइम फ्रेम एक फ्रेम के अंदर हम लगाने की कोशिश करते हैं इंट्राडे के जो ट्रेडर होते हैं वो मिनट 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 इस तरीके के टाइम फ्रेम देखते हैं बहुत ही uh, बड़ा जो टाइम फ्रेम जो होता है वो मिनट मतलब जनरली मिनट के ऊपर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर नहीं दिखता ऐसा मुझे यहां पे लगता है नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड आई जस्ट लाइक टू नो दैट ये सारे टाइम फ्रेम जो है इसमें से आप कौन से टाइम फ्रेम को फॉलो करते हो इफ यू आर अंट्रोडे ट्रेडर प्लीज हेल्प मी मीन कॉमेंट सेक्शन नाउ ये इसके लिए भी जरूरी है बिकॉज मैं ये जो सवाल पूछता हूं उसका मेरा इंटेंशन ये होता है कि मैं आपको समझ पाऊं अगर मैं आपको अच्छे तरीके से समझ पाया तो डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू इन यू नो गिविंग मोर इनसाइट्स रिगार्डिंग द टॉपिक और आज इस सेशन के अंदर uh, मेरा जो मेजर डिस्कशन होने वाला है दैट इज ऑन अ टाइम फ्रेम क्योंकि मैं बिलीव करता हूं दैट तो स्टॉक मार्केट में सारी की सारी जो चीजें हैं दैट इज प्योरली एंड प्योरली डिपेंडेंट ऑन अ फैक्टर विच इज कॉल्ड अ टाइम मतलब स्टॉक मार्केट में भूत भविष्य वर्तमान वो सारी चीजें जो है वो टाइम है सनातन सत्य अगर कोई चीज़ है तो वो टाइम है आपकी एक्यूरेसी आपका जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करेगा वो टाइम पे करेगा आपकी स्ट्रेटजी रन करेगी या नहीं करेगी वो भी डिपेंड टाइम फ्रेम पे ही करेगा और आइट आपके जो यू नो चेंज पैरामीटर्स है वो एक्यूरेट रिजल्ट देंगे कि नहीं वो भी टाइम डिसाइड करेगा और टाइम ही अपने साथ यहाँ पे साइकिल्स को जन्म दे के आता है तो एट द एंड अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो आपके टाइम फ्रेम है राइट एंड right? आपका जो होल्डिंग ड्यूरेशन है अब ये टाइम फ्रेम को अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे टाइम को आप यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा एक है आपका टाइम फ्रेम और राइट आप कौन से टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हो फिर दूसरा है आपका टाइम अब ये कौन सा टाइम है ये आपका होल्डिंग का टाइम राइट right, अब होल्डिंग यानी क्या आपने किस दिन एंट्री की एंड किस दिन आपने यहां पे एग्जिट लिया इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये भी आपकी एक्यूरेसी परफॉर्मेंस रिजल्ट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर असर करेगा और डो नॉट वरी आज इस सेशन के अंदर ये टाइम फ्रेम ये टाइम फ्रेम ऑफ होल्डिंग ये सारी चीजों के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाला है और एक चीज का जो फैक्टर टी यानी हाउ मच टाइम यू आर गिविंग फॉर वॉट यू आर गिविंग फॉर स्टॉक स्कैनिंग ये भी आपका आई वुड से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहां पे प्ले करता है क्योंकि मैं एनालिसिस करता था तो मेरा यहाँ पे होता क्या था कि मैं सबसे पहले निफ्टी के एक हंड्रेड जितने स्टॉक से मैं वो देखता था फिर ये हंड्रेड स्टॉक में से मैं वो स्टॉक को मैं आइडेंटिफाई करता था जो यहाँ पे या तो सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहे हैं या तो रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहे हैं राइट right? और ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास जब स्टॉक ट्रेड करते हैं तो वहां पे मैं एक बहुत ही कॉमन यहाँ पे मैं कंफर्मेशन में लेने की कोशिश करता था एंड द नेम ऑफ दैट कंफर्मेशन इज वॉल्यूम राइट अब वॉल्यूम के अलावा मैं यहाँ पे बिलीव करता हूँ आपको यहाँ पे सेकेंडरी कन्फर्मेशन की भी जरूरत पड़ेगी तो जनरली लोग क्या करते हैं कि सपोर्ट रजिस्टेंस देखते हैं और सपोर्ट रजिस्टेंस देखने के बाद इमीडिएटली यहाँ पे कैंडल्स को देखते हैं कि भाई डोजी बना जैसे ये मेरा डोजी हो गया हैमर हो गया इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार यू नो फलाना डिमका यह पचास तरीके की चीजें होती

Uh, right? you know, यहाँ पे पैटर्न है, पे है, इस, तरीके पे है. Uh, you know, इस तरीके का एक पैटर्न है ऐसे बहुत सारे पैटर्न है तो बेसिकली जनरली ट्रेडर्स क्या करते है? Support, हैं सपोर्ट रेजिस्टर्स जब देखते हैं राइट तो उनका जो प्राइमरी जो फोकस होता है दैट इज ऑन अ कैंडलस्टिक लेकिन मैं यहाँ पे सेकेंडरी जो कंफर्मेशन है उसके लिए मैं यहाँ पे कैंडलस्टिक को मैं यहाँ पे यू नो कंसिडर में करता हूँ नाउ वाई द कैंडल मैं उसको मैं देखता हूँ फॉर सेकेंडरी कंफर्मेशन राइट अब सेकेंडरी कन्फर्मेशन में कैंडल को मैं इसके लिए देखता हूँ बिकॉज द अब देखो जिस तरीके से आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसके अंदर आप यहाँ पे क्या देखते हो उसकी एक्यूरेसी राइट right. uh, उसकी रिलायबिलिटी मतलब मैं कितना उसके ऊपर डिपेंड रह सकता हूं अब ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी विनिंग रेशियो के ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं एंड अगेन कैंडलस्टिक की एक्यूरेसी एंड कैंडलस्टिक की रिलायबिलिटी जो है इट इज अगेन डिपेंडेंट ऑन वन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज नन अदर देन आपका टाइम अब ये मैं क्यों कह रहा हूं अब देखो मान लीजिए इफ यू आर लुकिंग एट अ डोजी और राइट right. अब ये डोजी मान लीजिए कि डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो डेली के टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल स्टिक यहाँ पे क्या कहलाती है डेली कैंडल स्टिक एक पॉज कहलाती है डेली कैंडल स्टिक सॉरी डोजी कैंडल स्टिक का यहाँ पे नेचर क्या कहला जाता है डोजी का जो नेचर है इन अ डेली टाइम फ्रेम ये न्यूट्रल यहाँ पे कहलाया जाता है सो एम टॉकिंग अबाउट अ कैंडल स्टिक इज फॉलो डोजी और राइट right, तो डोजी कैंडल स्टेक इन डेली टाइम फ्रेम ये प्योर्स इन न्यूट्रल कहलाती है बट यही डोजी इन दिस सेम डोजी अगर ये आपको मिलती है किसी एक इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर एक मिनट हो तीन मिनट हो पांच मिनट हो या पंद्रह मिनट हो तो फिर ये जो डोजी की जो रिलायबिलिटी है जो उसकी एक्यूरेसी है जो उसके रिजल्ट है और right, ये इसके जो रिजल्ट है ये आपके रिड्यूस हो जाएंगे इन अंट्रा डे का टाइम फ्रेम राइट अगर सेम इसके अगर आप परफॉर्मेंस देखो तो इट विल बी हाई व्हेन यू लुक एट दिस इन अ डेली टाइम फ्रेम नाउ डेली के ऊपर अगर आप वीकली में देखोगे तो और उसका रिजल्ट बढ़ेगा वीकली के ऊपर अगर आप मंथली में देखोगे तो और उसका रिजल्ट बढ़ेगा अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई मंथली के ऊपर सर मैं क्या क्वार्टरली पे चले जाऊं ना मुझे लगता है कि इतना ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है आप सबसे पहले डेली को अगर आप यहाँ पे देख लीजिए उसके बाद फिर आप वीकली में जाइए और वीकली के बाद आप यहाँ पे मंथली पे जाइए बट एटलीस्ट टेक अ ब्रेक इन अ मंथली मंथली के ऊपर जाने का कोई यहाँ पे रीजन नहीं पता अब देखो आप जिस टाइम फ्रेम में एनालिसिस करोगे राइट right, ये डिपेंड ये आपके आई वुड से ये आपके होल्डिंग ड्यूरेशन को ये डिसाइड करेगा जैसे मान लीजिए कि अगर मैं किसी इंट्राडे के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा होल्डिंग इंट्राडे रहेगा बट इफ आई एम डूइंग द अ डेली टाइम फ्रेम

फॉर इन एग्जाम्पल ये ये हो सकता है तो जनरली वन इज टू टू के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को एक अच्छा खासा डिसेंट यहाँ पे माना गया है तो अगर आप यहाँ पे हाइय रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं राइट अब हायर रिस्क आप तभी लोगे लोग अब मैं इंट्रा डे के अंदर मैं ये तो नहीं कर सकता कि भाई मेरा जो टारगेट है यह 400 पॉइंट और मेरा स्टॉप लॉस डेढ़ सौ पॉइंट तो इस सिनारियों में मेरा टारगेट तो अचीव होगा ही नहीं मतलब मुझे लगता है कि साल के पूरे, नो, दो सौ पच्चीस या दो सौ बावन दिन हमारे के होता है दो तो सौ तीस से तो दो सौ तीस में से हार्डली एक या दो दिन शायद गलती से वो भी किसी इवेंट के कारण और वो भी गैप के कारण मेरा बड़ा टारगेट अचीव हो जाए बट लेट से इफ यून फोर्टी फिफ्टी पॉइंट से ज्यादा अगर आप उसके मल्टीफोल पांच सौ जाए दो पॉइंट अगर आप कमाना चाहते हो तो एक चीज करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज टू इंक्रीज योर होल्डिंग ड्यूरेशन एंड होल्डिंग ड्यूरेशन इंक्रीज करने के लिए टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा टाइम फ्रेम अगर आप बढ़ाओगे तो आपको बहुत ज्यादा यू नो केयरफुल रहना पड़ेगा इन अ स्क्रिप्ट सिलेक्शन ऑलराइट क्योंकि अगर आपने गल... देखो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ इंट्राडे ट्रेडिंग

राइट लेकिन इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर आपकी जो आपके आपकी जो डिपेंडेंसी है दैट विल बी मोर ऑन अ एक्यूरेसी पार्ट क्योंकि आप यहां पे मान लीजिए पूरे महीने में आप पूरे महीने में कितने ट्रेड लोगे? शायद स्विंग ट्रेडर एक ट्रेड लेगा दो ट्रेड लेगा पांच पच्चीस ट्रेड यहाँ पे ले लेते हैं जिस कारण से होता क्या कि, कि अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड में जाता है यू कैन मेक मनी इन इंट्राडे बट सेम जो आप यहाँ पे जो रूल्स आप यहां पे अपनाते हो फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग द सेम रूल यू कैनॉट ऑब्वियसली अप्लाई इन अ स्विंग ट्रेडिंग तो दोनों की दोनों अलग है नाउ कौन सी चीज इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग को अलग करती है एक ही चीज अलग करती है दैट इज अ फैक्टर टी फैक्टर डी यानी क्या मैं यहाँ पे टाइम की मैं बात कर रहा हूँ तो जो स्टॉक मार्केट में समय की जो खेल है जो समय का गेम है यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं ये बिलीव करता हूँ दैट इफ यू वांट टू मेक मनी इन अ स्टॉक मार्केट

मान लीजिए कि मैंने एक स्टॉक यहाँ पे परचेस किया मैं एक उदाहरण के लिए एक स्टॉक पे आपके सामने मैं ले लेता हूँ स्टॉक लेट्स चेन्नई पेट्रो ये एक स्टॉक आपके सामने है राइट इन द ईयर 2014 ये ज्यादा दूर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ 2014 के अंदर ये जो स्टॉक था ये ट्रेड कर रहा था ट्वेंटी सेवन के पास राइट राइट नाउ वी आर इन हम पे अभी मार्च महीने में यहाँ पे हैं एंड द स्टॉक इज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट नाइन हंड्रेड एंड थर्टी कितना नौ सौ तेरह रुपये पे जो स्टॉक है ये ट्रेड यहाँ पे ये कर रहा है अगर मैं कैलकुलेटर में अगर मैं इसका यू नो एबसोलूट रिटर्न अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ नाइन वन थ्री माइनस ट्वेंटी सेवन दैट इज एट हंड्रेड एंड एटी सिक्स पॉइंट का यहाँ पे गेन दिया

आपको पता होना चाहिए कि जो आपका स्टॉक है उसका रिटर्न क्या है आपका जो स्टॉक है उस वो CAGR आपको क्या प्रोड्यूस करके दे सकता है आपका जो स्टॉक है अगर आप देखे, तो ऑन अ डेली बेसिस एक्स आई आर आर क्या निकल के आता है अगर ये तीन चीजें अगर आपने यहाँ पे देख ली तो डेफिनेटली आपको स्टॉक के अंदर बहुत ही डीप इंसाइट आपको यहाँ पे मिल सकता है एंड बहुत ही ज्यादा आप यहाँ पे एक्यूरेट स्ट्रेटेजी बना सकते हो अगर आप ये तीनों को समझ पाए नाउ इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट ए सी ए जी आर तो सी ए जी आर के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक सेशन किया है आप एक काम करिए सीएजीआर लिख के मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेजिए माई व्हाट्सएप नंबर एट टू डबल फोर जब आप ये नंबर के ऊपर सी ए जी आर लिख के भेजेंगे माई टीम विल ट्राई टू शेयर यू ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द सी एर इंक्लूडिंग द कैलकुलेटर ऑल लेक्चर्स एक्सेल शीट जो भी हमने बनाई होगी ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी सो so फार यू uh, नो you know, मैं एक चीज में जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सी ए जी आर को यहाँ पे देखते हैं कैन यू जस्ट राइट इन अ कॉमेंट सेक्शन मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग स्टॉक मार्केट में सी ए जी आर का एनालिसिस करते हैं नाउ स्टॉक मार्केट में जो सी ए जी आर देखते हैं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली यू आर अ स्विंग ट्रेडर इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर राइट तो ये मेरा आई वुड से इट्स अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर स्विंग uh, ट्रेडिंग करते हैं और उसमें आप सी ए जी आर का एनालिसिस करते हैं नविन दास जी वेरी हैप्पी टू नो दैट आप पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं वेरी गुड दूसरे हमारे जितने पार्टिसिपेंट है कैन यू प्लीज राइट आप कौन से कौन से टाइम फ्रेम के अंदर आप इंट्रा में ट्रेड करते हो सो so दैट मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी मिले आपकी राइट सो right? so, यहाँ पे वीएम शर्मा जी लिखते हैं कि आई एम ए स्विंग ट्रेडर एंड फॉलोइंग वन आर डेली वीकली टाइम फ्रेम फॉर एनालिसिस नाउ दैट इज वेरी गुड और राइट आई वुड से वीएम शर्मा जी टेक माई थम्स अप क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर पता है एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है लेट मी जस्ट ट्राई टू हेल्प यू अगर आप स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहे हैं तो द ब्यूटी ऑफ स्विंग ट्रेडिंग इज के आपका जो एनालिसिस है आप स्टॉक सिलेक्शन करोगे आप एंट्री एग्जिट के क्राइटेरिया या आप अपने जो लेवल्स डिसाइड करोगे उसका जो टाइम फ्रेम होगा दैट वुड बी कम्पलीटली डिफरेंट एंड जहाँ पे आप ट्रेड एक्चुअल में एक्जीक्यूट कर रहे हो जहां पे आप यहाँ पे Uh, एक एंट्री को आप प्लान आउट कर रहे हो जहां पे आप एग्जिट को प्लान आउट कर रहे हो उसका जो टाइम फ्रेम है दैट वुड बी वेरी वेरी मच डिफरेंट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एनालिसिस के लिए आई एम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम एंड ए मंथली टाइम फ्रेम नाउ हर एक स्टॉक के हर एक स्ट्रेटेजी के ऊपर का जो टाइम फ्रेम है इसको हमने डिफाइन करके यहाँ पे रखा है नाउ आपको एक कैंडल के बारे में मुझे पूरा विश्वास होगा कि आप हैमर इन्वर्टर हैमर शूटिंग स्टार हैंगिंग uh, मैन आप इसको जो भी नाम दो ये कैंडल स्टिक पैटर्न को मुझे हंड्रेड एंड वन परसेंट आई एम श्योर की आपको पता तो होगा ही और राइट नाउ आप इसका एनालिसिस जो है आई आई एम डैम श्योर कि आप उसको डेली टाइम फ्रेम में करते ही होंगे आपने देखा होगा अगर आपने मतलब uh, ट्रेड करो या ना करो लेकिन आप एनालिसिस तो करते होंगे बट ट्रस्ट मी अगर आप उसको डेली के टाइम फ्रेम में देखते हैं आज से एक काम करिए यू नो एट एवरी सैटरडे और संडे राइट सोमवार right, को मार्केट खुलने से पहले और शुक्रवार को मार्केट खत्म होने के बाद जब भी आपको मिले ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप यहाँ पे ये जो डोजी और आपका सॉरी हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन आप इसको जो भी नाम बोलो ये कैंडलस्टिक का एनालिसिस करो एंड ट्राई टू डू द बैक टेस्ट ऑफ अट्रेटेजी ट्रस्ट मी अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में योर uh, कैंडलस्टिक

कॉमन यहाँ पे एक फंडा है राइट right? कोई भी कैंडलस्टिक आप ले लीजिए आप जिस भी टाइम फ्रेम में उसको एनालिसिस कर रहे हैं अगर एक टाइम फ्रेम ऊपर में जाओगे तो उसकी एक्यूरेसी उसका परफॉर्मेंस उसका रिजल्ट नेचुरली 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 यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा right? ये आप इसको एक अपने एनालिटिकल पार्ट में आप इसको कंसिडर कर सकते हो जिससे आपको एक इनसाइट मिले नाउ आज के सेशन के अंदर मेजरली जो मेरा फोकस होने वाला है दैट इज ऑन अ टर्मिनल मैनेजमेंट अब देखो आपके सामने यहाँ पे चार स्टॉक जो है मुझे पूरा विश्वास है ये चार स्टॉक जो आपके दिस इज माई मंथली वाला टाइम फ्रेम एंड दिस इज माई ईयरली वाला टाइम फ्रेम देखो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कोई भी जो स्टॉक है राइट right? अब सबसे पहले स्टॉक की कुछ कैटेगरी होती है आप कोई भी किसी भी स्टॉक के अंदर आटा बाटा टाटा इस तरीके का गेम जो है आप नहीं खेल सकते देखो कुछ स्टॉक होते हैं जो इस तरीके के आपको रिजल्ट देते हैं कुछ स्टॉक होते हैं जो इस तरीके के जो आपके रिजल्ट है वो आपको देते हैं कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो इस तरीके के आपको रिजल्ट होते हैं तो ट्रस्ट मी यू नो ट्रेडिंग अप्रोच इज कम्पलीटली डिफरेंट इसमें जो ट्रेड करने की या स्ट्रैटेजी जो इस तरीके के प्राइस में चलेगी वो आपको इस तरीके के प्राइस में नहीं चलेगी और इस तरीके में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी अब मैं तीनों का एक एग्जाम्पल देता हूँ ये वाला जो ये 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 पर्टिकुलरली जो आप देख रहे हो ये वाला जो स्टॉक है दिस इज नन अदर देन योर टाइटन और राइट ये वाला जो स्टॉक है दिस इज नन अदर देन योर रिलायंस इंडस्ट्रीज और राइट आप इसको यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख सकते हो नाउ ये वाला जो है इसमें यू कैन यू नो डू द डिबेट बट मैं यहां पे कह सकता हूं कि अगर हम सिलेक्टेड टाइम फ्रेम को देखें तो जोमैटोर भी वन ऑफ द स्टॉक जहां पे आपको ये एक एक्सपोनेंशियल प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा सो लेट मी जस्ट फर्स्ट ट्राई टू टेक यू टू अ स्टॉक तो यहाँ पे अगर मैं टाइटन का चार्ट अगर ये ग्रेजुअली एवरी ईयर ऑन ईयर इसने यहाँ पे रिटर्न दिया, दिया है राइट right? आप यहाँ पे देख सकते हो इन एनी ऑफ द टाइम फ्रेम इसने आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, फैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे इस जगह पे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये जो गिरावट है ये 2000 आपको पीस की गिरावट है कोरोना के टाइम पे जब फॉल आया था उसकी और ये उसके बाद की गिरावट है अगर आप इस स्टॉक के चार्ट का इतिहास अगर आप 10 साल का देखोगे 20 साल का देखोगे और राइट या इंसेप्शन भी अगर आप इसका इतिहास देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो स्टॉक है ये जो डाउन ट्रेंड है इसके अंदर यू नो ये रिजल्ट नहीं देता राइट इस तरीके के जो स्टॉक है मान लीजिए टाइटन अगर आप सोच रहे हो कि मैं टाइटन अरे बहुत जबरदस्त स्टॉक है मैं इसमें ट्रेड कर लूंगा जब ये स्टॉक रिट्रेसमेंट पे मुझे मिले तो मैं बाय कर लूंगा तो इस तरीके के स्टॉक में रिट्रेसमेंट आने के जो प्रोबेबिलिटीज है वो नेचुरली रिड्यूस हो जाते हैं जैसे एक मैं रिट्रेसमेंट पे यहां पे मैं प्लॉट कर देता हूँ और राइट एंड लेट मी जस्ट मैक्सिमाइज दिस चार्ट

प्लीज हेल्प मी मीन कमेंट सेक्शन बाय राइटिंग ये सुना क्या आपको लगता है क्या आप में मानते हो कि टाइटन ये जो स्टॉक है और ये रिट्रेसमेंट देगा क्या आपको लगता है कि टाइटन ये जो स्टॉक है ये इस साल इस साल मैं पर्टिकुलरली इस साल की मैं बात कर रहा हूं इस साल ये 61.8 परसेंट आप यहां पे देख सकते हो कि दिस इज अ रिट्रेसमेंट ऑफ 61.8 परसेंट मैं 50 परसेंट तक तो गया ही नहीं क्योंकि अगर मैं 50 परसेंट के पास जाऊंगा तो आपको यहाँ पे देखेगा कि फिफ्टी आता है टू ये तो बहुत ज्यादा यू नो ड्रास्टिकल

अब देखो यहां पे अगेन आई वुड से कि अगर मैं कमेंट यस yes करता हूं तो भी वो गलत है कमेंट अगर नो no करता हूं तो भी गलत है क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर ये देखा जाता है कि जो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट में जो स्टॉक ये मेरा रिट्रेस करे तो हमें इतिहास में जाके देखना पड़ेगा कि क्या इस स्टॉक ने रिट्रेसमेंट कभी भी सिक्सटी का या फिफ्टी का क्या कभी इसने रिट्रेसमेंट दिया है तो अगर आप यहाँ पे देखोगे टू के बाद से कभी भी इस स्टॉक ने 50 का का नहीं दिया अगर अगर मैं मैं 2020 का जो प्राइस एक्शन है अगर उसको इग्नोर करूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 2008 2008 से 2024 ये पूरे ड्यूरेशन में कोरोना को छोड़ दे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक बार ये हुआ था और ये भी क्यों हुआ था क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन के बीच का जो वॉर यहाँ पे था राइट या जो भी आप उसको नाम दे एस्केलेशन दे या जो भी आप उसको नाम दे ये 2022 में इसने हिट किया था तो यू कैन से लाइक 2008 से लेके तक इतने लंबे ड्यूरेशन में सिर्फ दो बार इस स्टॉक ने रिट्रेसमेंट दिया एक तब दिया जब रशिया यूक्रेन का यहाँ पे वॉर अपने इनिशियल डेज के ऊपर था एंड सेकेंड इसने तब दिया जब हमने यहाँ पे कोरोना के टाइम पे आप और हम हम सब यहाँ पे घर में बैठे थे इसके अलावा नहीं दिया तो इस तरीके का जो एनालिसिस है दिस काइंड ऑफ एनालिसिस इट इज कॉल डेटा एनालिसिस तो स्टॉक मार्केट के अंदर हम यहाँ पे जो है डेटा एनालिसिस को ज्यादा फोकस करते हैं हम ये देखने की कोशिश करते हैं हम ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि जो मेरा स्टॉक है ये एक्चुअल में कौन से कैटेगरी के अंदर ये बिलोंग करता है इसकी जो कैटेगरी है फॉर अस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैसे आज यहाँ पे और एक स्टॉक के ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ द नेम ऑफ दैट स्टॉक इज योअर बी एस सी और राइट जैसे मैंने आपको अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था कि स्टॉक आपके तीन तरीके से चलेंगे एक आपका जो स्टॉक है ये आपका एक्सपोनेंट ये आपका कुछ नॉन स्टॉप आपका ऊपर जाएगा फिर मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा होगा और फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसा बिखरा हुआ चलेगा और फिर ऊपर चल जाएगा। यहाँ पे मैंने एक आपको स्टॉक का नाम दिया था एक जोमेटो। इसमें और एक स्टॉक ऐड होता है दैट इज बी एस सी इसके अंदर और एक एक स्टॉक ऐड हो सकता है जो है आपका आई आर सी टी सी इसके अंदर और एक स्टॉक आपका ऐड हो सकता है दैट इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज सी डी एस एल तो ये सारे जो स्टॉक है ये कुछ ऐसे स्टॉक है कि एक लंबे समय तक इस स्टॉक ने कोई रिवॉर्ड कोई रिटर्न नहीं दिया थोड़ा सा यहाँ पे आप मूव आया यहाँ पे एक डाउनफॉल आया और उसके बाद जो इसने जो एक्सपोनेंशियल मूव यहाँ पे दिया दिस इज अमेजिंग नाउ प्रॉब्लम क्या है वी ऑल नीड ए स्टॉक और हम क्या चाहते हैं कि एक रुपए का सौ रुपए हो जाए ऐसा स्टॉक हम सभी लोग चाहते हैं बट वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज एक से रुपए एक रुपए का स्टॉक आपका सौ रुपए हो जाए ये होगा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कोई ऐसी कोई you know, uh, कोई यू नो आई वुड से सरप्राइज वाली बात नहीं है यह हमें चौंकना नहीं चाहिए क्योंकि एक से एक से सौ रुपये होने वाले हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा ऑफ अ फैक्टर विच इज क्वालिटी समय को हमें यहाँ पे यू नो इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी अब आपके सामने ये एक यू you नो know, चार्ट अगर आप यहाँ पे देखो राइट तो यू नो वी ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड के अभी यहाँ पे जो बी एस सी इस लेवल के पास पहुंच गया और राइट अब मुझे यहाँ पे क्या समझ में आया एफ आई लुक एट फिफ्टीन मिनट फिट मुझे यह समझ में आया कि अगर ये स्टॉक में पैसा बनाना है तो इस स्टॉक के अंदर पैसा सिर्फ बाई करके ही बनाया जा सकता है न वो आप में से कोई यहाँ पे महानुभाव एट बुद्धिजीवी यहाँ पे ये यह कहेगा कि सर बीएससी तो आपके डेरिवेटिव में ही नहीं तो हम सिर्फ यहाँ पे इक्विटी ले सकते हैं यानी सिर्फ बाई करके ही पैसा बनेगा लेकिन टेक दिस एज ए केस स्टडी अगर मान लीजिए ये जो स्टॉक है अगर ये फ्यूचर में आ भी जाता है तो भी आपको समझना चाहिए कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी

हो गया ये मंथली हो गया ये ईयरली हो गया हम यहां पे एनालिसिस टी का कर रहे हैं टी स्टैंड वॉट टी स्टैंड टाइम समय का एनालिसिस कर रहे हैं कि ओवरऑल समय मुझे किस तरफ यहाँ पे इशारा दे रहा है ये स्टॉक जो है ईयरली के टाइम फ्रेम में कह रहा है कि इसके अंदर बाय ही करना चाहिए बाय के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए मंथली के टाइम फ्रेम में ये स्टॉक कह रहा है कि सपोर्ट का इंतजार करोगे तो मर जाओगे लेकिन सपोर्ट नहीं मिलेगा रिट्रेसमेंट का इंतजार करोगे तो भाई साहब हड्डियां गल जाएगी लेकिन हमें रिट्रेसमेंट नहीं मिलेगा अगर मैं यहाँ पे कोई यहाँ पे क्रैश का अगर मैं इंतजार मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये क्रैश के लिए मेरे पुश्ते मेरे जो है वो आके चले जाएंगे लेकिन फिर भी यहाँ पे क्रैश नहीं आएगा तो ये ये मैं नहीं कह रहा ये स्टॉक कहाँ चार्ट कह रहा है क्योंकि 2022 के बाद जब ये कोरोना का समय था उसके बाद से स्टॉक आपका नॉन स्टॉप बुल मोमेंटम है 2000 बीच में 2020 में नीचे आया और उस 2020 में इसने लो था, का अभी ये जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है टू माइनस नाइनटी वन अगर मैं निकाल दूं तो ये होता है टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड टू ऑन प्राइस ऑफ नाइनटी वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड अगर ये मैं करता हूं तो ये जो स्टॉक है इसने कितना रिटर्न दिया पता है पाँच सौ अठासी प्रतिशत का इसने एबसलूट रिटर्न दिया यानी अगर आपने सौ रुपए लगा दिए तो सौ रुपए आपके दो हजार पाँच सौ अठासी गुना यहाँ पे हो जाते और इतने इतने हो जाते यहाँ पे पीछे दो जीरो लगा दीजिए आपका काम यहाँ पे हो जाएगा सो इफ यू इन्वेस्टेड दिस मच मनी इतना रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता था

और राइट ये मैं आप लोगों से कह रहा हूँ मुझे नहीं पता कि आप लोग अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हो या नहीं करते हो लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बिल्ड ना भी करो तो आज के बाद से जब कभी भी आप किसी भी स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आपकी स्ट्रैटेजी का जो फाउंडेशन है वो टी फैक्टर होना चाहिए यानी टाइम ही आपका यहाँ पे बेस होना चाहिए अगर आप देखो एक कहावत है अगर हम समय की uh, कदर नहीं करेंगे तो समय हमारी कदर नहीं करेगा तो हमारा जो फोकस है वो टाइम से होना चाहिए बिकॉज समय ही हमें पैसे कमा के देगा लेट से अगेन आई कम ऑन बी एस सी बी एस सी में यू नो अगेन आई वुड से ईयरली का टाइम फ्रेम ने कहा सिर्फ बाय करो मंथली के टाइम फ्रेम ने कहा इंतजार मत करो तो जब यहाँ पे वेन यू हैव इवन द माइक्रो अपॉर्चुनिटी अब देखो मुझे कुछ लोग हमेशा यू नो देर आर अ लॉट ऑफ यू नो इंटेलेक्चुअल पीपल कुछ इंटेलेक्चुअल पीपल मुझे कहते हैं कि, अरे मितुल जी मुझे तो पता ही था कि यहाँ पे यह बाय करना चाहिए तो सवाल ये होता है इनफॉर्मेशन तो हम एक्ट कहा right? तो याद रखना पड़ेगा कि जो आपका टाइम फ्रेम है ये टाइम फ्रेम एक फिलोसॉफी के तौर पर काम करता है टाइम फ्रेम आपको एक मोटिवेट कर सकता है लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम से पैसा कमाना चाहते हो तो और एक चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा दैट इज कॉलर ट्रेड राइट right? तो टी से है आपका टाइम और टी से ही है आपका ट्रेड तो हमें यहां पे टी और टाइम टी टू के ऊपर हमें आपको काम करना पड़ेगा अगर हमने टी टू पे काम नहीं किया तो पैसा नहीं बनेगा सो इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ स्विंग ट्रेडर अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं बट प्लीज़ हेल्प मीन अ कमेंट सेक्शन क्या आप लोग इंट्रा ट्रेडिंग के अंदर यू नो एक अपना करियर बनाना चाहते हो या आप स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपका करियर बनाना चाहते हो आप किस चीज़ में करियर बनाना चाहते हो आप किस चीज़ की मास्टरी हासिल करना चाहते हो कैन यू प्लीज हेल्प मी इन अमेंट सेक्शन ये सारी चीज़ें मुझे मदद करती हैं कि मैं आपके लिए कौन से टॉपिक के ऊपर कौन सी स्ट्रेटेजी कौन सा इन्फॉर्मेशन और कौन से यू नो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ तो इसके लिए प्लीज़ हेल्प मिन अ कॉमेंट सेक्शन कि आप क्या इंटरवाड़ी ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो या इन ट्रेडिंग में प्लीज हेल्प मी इन कमेंट सेक्शन सो दैट मुझे भी पता चले तो अगेन आई वुड से मैं बार बार एक ही चीज को मैं रिपीट करूंगा ईयरली क्या रहा है कि ट्रेड लेना है तो बाय करो मंथली यहाँ पे क्या कर रहा है बाय करो इंतजार मत करो डेली आपको क्या मिल रहा है कि जब भी मौका मिले जितना भी मौका मिले छोटा मिले तो छोटा बड़ा मिले तो बड़ा उठा लो और राइट कुछ भी छोड़ना नहीं है तो एक मौका हमें यहाँ पे मिला था अगर इस जगह पे मैं बाय करता विच इज 1941 फोर्टी वन तो भी जो करा, अगर पे कितना इसने पे दिया इफ यू जस्ट कैलकुलेट दिस ने हम बैठे 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 की मैं बात कर रहा हूँ थ्री परसेंट का रिटर्न दे दिया और पता है 27 परसेंट का रिटर्न इसने कितने दिन में दिया इसने दिया सिर्फ और सिर्फ पांच दिनों के अंदर कितने दिनों के अंदर पांच दिन और right. हमको साल भर का 27 परसेंट नहीं मिलता कितना साल भर का हमको 27 परसेंट का रिटर्न नहीं मिलता लेकिन ये जो बी वाला जो स्टॉक है इसने हमें सिर्फ और सिर्फ पांच दिन के अंदर 27 परसेंट का रिटर्न दे दिया तो इस तरीके के स्टॉक आपके पास होने चाहिए इस तरीके का स्टॉक का एक आपके पास समूह एक ग्रुप होना चाहिए इस तरीके के स्टॉक के अंदर आपका एनालिसिस होना ही चाहिए क्योंकि अगर आप इस तरीके के स्टॉक के अंदर एनालिसिस करोगे तभी जाके आपका जो परफेक्शन you know, है ऑन टाइम वो भी आएगा तभी आपका जो परफेक्शन ऑन ट्रेड है तभी यहाँ पे आएगा सो स्टॉक मार्केट का सच यही है हम सारे लोग इंडिकेटर ऑसिलेटर टूल्स के पीछे हम इतने ज्यादा हम एडिक्टेड हो चुके हैं और right? मुझे uh, कई बार लगता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर हम मतलब हमारे जो पूर्वज थे जैसे मुझे पता है कि मेरे uh, इनिशियल डेज के ऊपर जिन लोगों से मैं सीखा करता था जो बड़े बुजुर्ग मेरे थे और हमारे फैमिली के रिश्तेदार में आस पड़ोस में स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर आ, मेरे प्रीवियस जहां पे मैं सीखने के लिए मैं जाता था वहां पे तो वो हमेशा कहते थे कि स्टॉक मार्केट क्या है स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है एक जुआ बाजार है हकीकत में ये सट्टा बाजार नहीं है लेकिन हम काम सट्टा बाजार वाला ही कर रहे हैं राइट हम ना मल्टी फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं ना हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी का टाइम फ्रेम डिफाइन हम कर पा रहे हैं ना समय का हम इम्पोर्टेंस दे पा रहे हैं हम कमाना चाहते दस परसेंट लेकिन जब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है हम ट्रेड नहीं कर रहे तो हमने एक स्टॉक देखा टाइटन सेकेंड स्टॉक मैं आपके साथ शेयर कर रहा इज बी और एक स्टॉक अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो द नेम ऑफ दैट स्टॉक इज जोमेटो अगर आप इस स्टॉक स्टॉक को ध्यान से देखोगे, तो ये जो है, है, है। पे क्या डेटा अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक वी शेप रिकवरी दे रहा है दिस काइंड स्टॉक अब देखो एक तो सबसे पहले इसका इतिहास खाली तीन साल पुराना है अब ये चौथा साल आपका चल रहा है इसका मतलब आप यहाँ पे बड़ा बेट नहीं ले सकते राइट right? अब आप अपने मान लीजिए कि यू आर इन योर फिफ्टीज इन योर सिक्सटीज आपने जीवन भर मेहनत करके आपने दो पांच दस करोड़ का पे आपका जो है, उसको कम रखना चाहिए आप यहाँ पे धनाधन आपके पास जितना है पूरा माल उठा के डाल नहीं सकते राइट right? अगर मैं यहाँ पे मंथली का टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो समझ में आता उन you know, पे एक w मुझे दिख रहा है पैटर्न डब्ल्यू जैसा स्ट्रक्चर आफ्टर ऑफ मोर अ टाइम फॉर मी टू टेक और इस तरीके के रिस्क को जेन्यूली आई वुड से इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट

कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये ये जोमेटो हो टोमेटो हो जोमेटो हो जोमेटो हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके कैंडलस्टिक आपको किस तरफ का इशारा कर रही है आपकी कैंडलस्टिक आपको टी यानी समय आपको क्या बता रहा है ये समय के बेस के ऊपर आपका ट्रेड क्या होना चाहिए इसका आप एनालिसिस कर सकते हैं मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये होने के बाद जो है ना बड़ा आसान है ये कहना मैं कहता हूं अच्छी बात है तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आप किसी भी चार्ट को देखो और होने के बाद आप उसमें स्ट्रेटेजी बनाओ फिर सेकेंड स्टेज आपका क्या होगा कि जब हो रहा है उस समय प्रीवियस रेफरेंस जो है राइट आप यहाँ पे पहले क्या है हिस्ट्री इतिहास में जाके आप देखो कि आप ट्रेड एनालिसिस जो जो तो करने के बाद आप यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करो पेपर ट्रेडिंग करने के बाद आप यहाँ पे उसके ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट रन करो जब आपको ये सारी चीज में सफलता आपको हासिल हो जाए तब फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज आप उसको स्केल करो यही तरीका होता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का अगर मेरे पास दस लाख रुपए सीधा दस लाख रुपए का मैं निफ्टी के दस लॉट यहाँ पे बाय कर दू स्टॉपलॉस टारगेट के साथ प्ले करना ये मुझे लगता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा ब्लंडर मुझे यहाँ पे लगता है नाउ ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऐसी मैं उम्मीद में यहाँ पे रख रहा हूँ और आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो जरूर होगा क्योंकि मेरे जो सेशन है ये मेरे सेशन के अंदर मैं कभी भी बिगिनर को मैं टारगेट नहीं करता मैं हमेशा उन लोगों के साथ मैं बात करने की मैं कोशिश करता हूँ जिनको थोड़ा सा नॉलेज है भले एक से दस में आप अपने आप को एक नंबर देते हो लेकिन अगर आप अपने आप को एक भी नंबर देते हो तो यह सेशन आपके लिए है मेरा सवाल आप लोगों से एक सिंपल चीज है कि मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि ये पूरी दुनिया इस तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के पीछे पागल है जहां पे आपको मिले एक एंट्री राइट right? अगर मैं एंट्री कर रहा हूं तो मेरे पास होना चाहिए मेरा स्टॉप लॉस और मेरे पास होना चाहिए मेरा टारगेट अब ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है इसकी मुझे क्या इंपॉर्टेंस है इसकी एक्यूरेसी में मुझे यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट है और मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में इंटरेस्ट है क्या आपको लगता है कि पूरी दुनिया इस तरीके के एक जाल के अंदर फंस चुकी है एंड वी आर स्टक इन इनफाइनाइट लूप जो सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे लॉस लॉस एंड लॉस ही यहाँ पे दे रहा है जो हमें प्रॉफिट कमा के नहीं दे पा रहा है

राइट right, उसकी एक्यूरेसी 80, 90, 100, 200, 500, 1000 सौ परसेंट की एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी मुझे चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या हो 0.1 मतलब एक पैसे का नुकसान और एक अरब का प्रॉफिट और राइट इस तरीके का एक माइंडसेट के अंदर डू यू थिंक दैट वी आर ट्रैप वी इन द सेंस मैं ट्रेडर कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं कोई पर्सनली किसी व्यक्ति को मैं टारगेट करके या किसी व्यक्ति के ऊपर मैं कॉमेंट नहीं कर रहा डू यू थिंक दैट ट्रेडर कम्युनिटी इज कम्प्लीटली ट्रैप्ड ऑन दिस राइट यस तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है इसका आंसर मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे अगर हम करें एक बड़े स्केल के ऊपर भी करें अब यहाँ पे तो क्या है हार्डली कुछ चुनिंदा टू डिजिट थ्री डिजिट के अंदर यहाँ पे लोग हैं अब मैं इतना बड़ा फेमस तो है नहीं और राइट right, मेरे सेशन के अंदर बिलियंस बिलियंस के अंदर व्यू आए लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस क्वेश्चन के ऊपर अगर आप यू uh, नो uh, you know, uh, एक सर्वे uh, भी कराएं तो यही आंसर निकलेगा कि जो माइंड है दैट इज स्किलिंग

राइट right? तो फनल प्रोसेस के अंदर जब जब एफ की बात आएगी जब जब एफ आएगी प्रिसाइजली मैं आपको अपने मेरे सेशन की मैं बात करता हूं जब जब एफ एम सी जी बात करता हूं तो मैं हमेशा अपने प्रीमियम सेशन के अंदर मैं डीमार्ट का मैं जिक्र करना मैं नहीं बोलता क्योंकि अगेन आप डी में ट्रेड करो या ना लो इसके शेयर परचेस करो या ना करो बट ये जो डी का जो चार्ट है ये आपको बहुत जबरदस्त इंसाइट यहाँ पे आपको देता है यू जस्ट नीड टू लुक एट द स्टॉक जब आप इस स्टॉक का चार्ट देखोगे तब आपको नेचुरली पता चलेगा कि भाई साहब इसमें कुछ तो काम करने लायक है अगर आप इसका देखो यहाँ पे आपके सामने इफ यू लुक एट द डेली टाइम फ्रेम तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये जो स्टॉक है ये कंसोलिडेशन में फंसा है राइट अगर इसी स्टॉक को अगर आप मंथली के टाइम फ्रेम में देखोगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे एक असेंडिंग ट्राइंगल जैसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है

इस स्टॉक ने एब्सोल्यूट रिटर्न सिंस कितना दिया नौ सौ सत्तावन प्रतिशत का रिटर्न दिया अब हम यहाँ पे नौ परसेंट के रिटर्न के लिए हम अपना खून जला रहे हैं बट ये जो स्टॉक है इसने already, already भाई 957 का इसने दे दिया करके बता दिया इस स्टॉक ने किसी का इंतजार नहीं किया तो माई यू नो द इम्पोर्टेंट नगेट फॉर टूडे से एक आपका पंद्रह मिनट का टाइम फ्रेम जो आपकी मदद कर सकता है किस चीज के लिए एंट्री के लिए यू जस्ट नीड टू लुक एट द डेली टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम आपको अलग बात बताएगा मंथली टाइम फ्रेम आपको अलग बात बताएगा एंड ईयरली टाइम फ्रेम आपको अलग बात बताएगा प्रॉब्लम क्या है इस तरीके के एनालिसिस में देखो जब मैं एनालिसिस करता हूं ना इस तरीके के स्टॉक को मैं देखता हूं मैं एक स्टॉप को मैं कम से कम एक घंटा में यहाँ पे देखता हूँ मैं अलग अलग तरीके से यहाँ पे देखता हूं मैं 360 डिग्री इसके एनालिसिस में करता हूं मैं ईगल व्यू में यहाँ पे देखता हूँ हर एक टाइम फ्रेम के अंदर कुछ ना कुछ संकेत होता है कुछ ना कुछ सिग्नल होता है हर एक छोटे से छोटे राय जितने कत में भी एक संदेश छुपा हुआ है और स्टॉक मार्केट में उसे हमको रीड करना है हम सारे लोग एक टी के पीछे मरे जा रहे हैं विच इज कॉल मुझे कोई इंडिकेटर दे दो मुझे कोई यहाँ पे टेक्निकल पैरामीटर दे दो मुझे यहाँ पे कोई ट्रिक दे दो मुझे कोई यहाँ पे टिप्स दे दो लेकिन हकीकत में ये जो टी है ये टी है यहाँ पे आपका टाइम टाइम और टाइम टाइम फ्रेम का एनालिसिस अगर आप करोगे समय दोगे अपने ट्रेड को अपने एनालिसिस को अपने स्ट्रैटेजी को अपने विजन को तो आपको पैसा मिलेगा मिलेगा जरूर मिलेगा इस दुनिया का कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं पाएगा बट एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज टाइम और यही हम करते हैं अब प्रॉब्लम क्या है कि हम सारे लोग एक चीज के पीछे हम दे दना दम हम भाग रहे हैं और वो है हमारा ट्रेड हम अपना ट्रेड सीधा करना चाहते हैं लेकिन ट्रेड तब तक आपका सीधा नहीं होगा जब तक आपका जो ट्रेंड है वो वो सीधा नहीं होगा एंड ट्रेंड जब तक आप ट्रेंड तब तक आपका सीधा नहीं होगा जब तक आप टाइम नहीं दोगे टाइम आप तब तक नहीं दे पाओगे जब तक आप यहाँ पे एनालिसिस नहीं करोगे आप होमवर्क नहीं करोगे आप पेपर ट्रेड नहीं करोगे मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर होने के बाद बोलना बहुत आसान है मैं कहता हूं कि अच्छी बात है आप भी करो क्योंकि होने के बाद अगर आप बोल सकते हो इसका मतलब आपको मार्केट के टिप्स एंड ट्रिक्स पता है आपको मार्केट में एंट्री एग्जिट के क्राइटेरिया पता है तो जो हो चुका अगर उसके ऊपर भी अगर हम प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो जो हुआ ही नहीं उसको हम कैसे कर पाएंगे? If you think that जो मैं कह रहा हूं, वो आपके दिमाग के ढक्कन लॉस हो चुका है पिछले तीन साल में भरत निर्मल जी आप हमारे कस्टमर केयर अधिकारी से बात करें थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या नहीं किया। थोड़ा सा अगर हम समझेंगे तो आपको कुछ कह के, के बता पाएंगे हमारा कस्टमर केयर अधिकारी का नंबर है ये इस नंबर के ऊपर एक काम कर दीजिए इन्फो लिख के मैसेज भेज दीजिए माई टीम विल अंडरस्टैंड के आपने क्या किया क्यों किया कैसे किया अभी आप कहाँ पे खड़े हो आप कहाँ पे जाना चाहते हो ये सारा एनालिसिस हम करेंगे उसके बाद हम देखते हैं कि वॉट वी कैन डू फॉर यू और आपके वीडियो देख के थोड़ा बहुत सीखा है केतन जी टेक माई थम्स अप क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो नॉलेज है मैं दे के जाऊं एक लेगेसी मैं छोड़ के जाने की मैं यहाँ पे कोशिश मैं कर रहा हूँ इस youtube चैनल के माध्यम से आई होप आप इस सेशन uh, को अच्छे तरीके से समझ पा रहे भी होंगे इसको यू नो एड्रेस भी कर पा रहे होंगे uh, फिर से मैं बता दूं आज के इस सेशन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए एक काम करिए yt ये लिख के 27 सॉरी uh, 27324 ये ये एक कोड वर्ड है इस कोड वर्ड को आपको भेजना है हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज भेज दीजिए एंड यू विल गेट द पीडीएफ एंड यू विल गेट द रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टूडे सेशन देखो टर्मिनल मैनेजमेंट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट आपके टर्मिनल के अंदर को सेटअप होना चाहिए ट्रेड लेने के लिए पंद्रह मिनट एंड डेली ये दो टाइम फ्रेम होना चाहिए एनालिसिस के लिए आप पंद्रह मिनट ले सकते हो आप डेली ले सकते हो वीकली ले सकते हो मंथली यहाँ पे ले सकते हो आप क्वार्टरली आप ले सकते हो हाफ ईयरली ले सकते हो ईयरली ले सकते हो इट इज कम्प्लीटली अप टू यू लेकिन चार चार्ट आपके पास होने चाहिए जब तक आपके पास ये नहीं है तब तक आप यहाँ पे बेस्ड ऑन टाइम आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे और राइट right. और जब तक एनालिसिस नहीं कर पाओगे तब तक आपकी ट्रेड के अंदर एक्यूरेसी परफेक्शन नहीं आएगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये देखना है मैं ये कह रहा हूं कि देखो आपके दिमाग के अंदर से कुछ ना कुछ नेचुरली सिग्नल क्रिएट होना चाहिए आपके खुद के दिमाग के अंदर से कुछ क्रिएशन आना चाहिए क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक चीज जो है वो नहीं चलती वो है कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट स्टॉक मार्केट में नहीं चलता इनफैक्ट कॉपी पेस्ट तो किसी भी जगह पे नहीं चलता स्कूल में एग्जाम के टाइम पे भी कॉपी पेस्ट नहीं चला जिन जिन लोगों ने स्कूल में एग्जाम में कॉपी पेस्ट किया आज वो पछता रहे right? तो कॉपी पेस्ट कहीं नहीं चलता मैं आपको स्ट्रेटेजी कि की फलाना फलाना इंडिकेटर लगा दो फलाना फलाना पैरामीटर लगा दो फलाना फलाना स्टॉक के अंदर लग जाओ फलाना फलाना इसमें इतने लॉट ट्रेड करो आपका काम हो जाएगा कल उठोगे तो बी एमडब्ल्यू मर्सिडीज ये सारी कंपनी ये सारी जो कार मेकिंग कंपनीज है इसके मालिक बन जाओगे ऐसा नहीं होता I believe the stock market may. Uh, एक चीज जो कभी ना चली है वो ये है कि कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस वी कॉपी पेस्ट वाला जो काम है ना कभी चला है ना कभी चलेगा इफ यू वांट टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट तो सीखना पड़ेगा समझना पड़ेगा यू नो एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको ये सारी चीजें जब आप करोगे ओनली देन यू विल गेट द एक्सपीरियंस जब एक्सपीरियंस आएगा तब कॉन्फिडेंस आएगा जब कॉन्फिडेंस आएगा तो ट्रेड ले पाओगे ट्रेड अगर आपने लिया तो सही एंट्री सही एग्जिट आप ले पाओगे विद इन द ट्रेड जो आपके प्रॉब्लम इसको आप सॉल्व कर पाओगे तो यहाँ पे जस्टिस सभी होगा आपके पैसों के साथ आपके कैपिटल के साथ एंड आपके यो, गोल्स के साथ जस्टिस सभी होगा अगर आपने अपना जो अप्रोच है वो अगर आपने सही किया पूरी दुनिया इस चीज के पीछे पागल है कि मेरे को एक स्ट्रैटेजी दे दो फिर ये सेगमेंट बताओ जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रैटेजी क्या की कि सुपर ट्रेंड लगा दिया सुपर ट्रेंड के फलाना डिम का पैरामीटर लगा दिया कौन से सेगमेंट में काम करे तो भाई फ्यूचर में करे कौन से स्टॉक में काम करे तो भाई निफ्टी में काम करे बस इतना सा देख के हम कूद पड़े तो इस तरीके का जो अप्रोच है और right, ये अप्रोच ने अब तक

कैन आई कैन प्ले अ ब्रेकआउट अब जब यहाँ पे आएगा तो इस जगह पे यहाँ पे जो यह स्विंग्स बनेंगे बेस्ड ऑन दैट मैं फ्यूचर में यहाँ पे ले सकता हूँ फ्यूचर के साथ मैं ऑप्शन यहाँ पे ले सकता हूँ या तो मैं कैश में इक्विटी ले सकता हूँ तो सेगमेंट बाद में आता है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सेगमेंट पहले आ जाता है हम यहाँ पे यू नो गूगल के अंदर आपने सर्च किया होगा ना आपने एक सर्च क्या किया होगा ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स आपने ऐसा सर्च किया होगा ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपने ऐसा सर्च किया होगा राइट बट right? यहाँ पे यू आर फोकसिंग ऑन अ सेगमेंट और राइट अब मुझे आप मुझे बताओ कि पहले स्टॉक आएगा या पहले आपका सेगमेंट आएगा पहले क्या आएगा स्टॉक आएगा कि सेगमेंट आएगा और राइट right? पूरी दुनिया भाग रही है सेगमेंट के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है सेगमेंट के पीछे नाउ द प्रॉब्लम इज पूरी दुनिया क्यों सेगमेंट के पीछे भाग रही है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन एकमात्र ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे आप 5000 हज़ार के पचास हज़ार कर सकते हो और वो भी बहुत ही कम समय में अब ये भी समझना जरूरी है कि अगर कोई 5 के पचास हज़ार आपको दे सकता है तो पचास हजार के वो 5000 हज़ार भी बना सकता है राइट right? क्योंकि दो हाथों से ही ताली बजेगी एक हाथ से तो ताली बजेगी नहीं इसीलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका जो फोकस है दैट फोकस शुड नॉट बी ऑन अ सेगमेंट सेगमेंट अंत में आता है राइट right, पहले स्ट्रेटेजी भी नहीं आती पहले सेगमेंट भी नहीं आता पहले आता है आपका स्टॉक क्योंकि हर एक स्टॉक अलग है हर एक स्टॉक में काम करने का तरीका अलग है हर एक स्टॉक में एनालिसिस करने का तरीका अलग है सबसे ज्यादा डिविडेंड पे करने वाली प्राइवेट कंपनी में से एक का नाम है आईटीसी आईटीसी का चार्ट उठा के देख लो जो स्ट्रेटेजी आप टाइटन में यूज करोगे क्या वो सेम आई आप आईटीसी में लगा सकते हो आई एम श्योर अगर इसका सर्वे कराया जाए तो आप ना ही बोलोगे तो द सेम स्ट्रैटेजी सेम कॉपी पेस्ट आपका नहीं चलेगा नहीं चलेगा तो नहीं ही चलेगा और इसके में एक नहीं मैं आपको सौ एग्जाम्पल में दे सकता हूँ आपको यहाँ पे हर एक स्टॉक को ध्यान में रखते हुए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और अगर ये सारी चीजें अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस हासिल करना है द ओनली ऑप्शन इज अरियंत एन्यू थ्री पॉइंट टू थाउजेंड परसेंट टाइम इंटेस्टेड स्ट्रेटेजी हमारी ज्यादातर स्ट्रेटेजी जो है उसको 20 से लेकर 23 साल का हमने यहाँ पे बैक टेस्ट हमने कर दिया है बीस से तेईस में इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी अगर आप पैरामिट कोई भी आप सॉफ्टवेयर देखोगे या इवन एन की वेबसाइट भी देखोगे या कोई ब्रोकर के चार्ट भी देखोगे तो 2000 के बाद के चार्ट आपको इजीली मिलेंगे उसके पहले के जनरली नहीं मिलते तो इसीलिए हमने यहाँ पे जितना जब तक का डेटा हमें मिला हमने पूरा यहाँ पे एनालिसिस किया एंड हमारा एक ही होता है कि भाई जो मेरा स्टॉक है ना वो अल्गो से चलना चाहिए अब ये जो अल्गो इसके ऊपर हमारा इतना ज़्यादा फोकस क्यों है क्योंकि जो अल्गो है इसको इसमें इफ एंड बट नहीं होता अलगो यानी क्या ये भाई वन प्लस वन अगर ये मैंने किया तो आंसर दो ही आएगा लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग वन प्लस वन ग्यारह करने की कोशिश करते हैं बट ये जो ग्यारह है ये अलगो नहीं समझता अब बिकॉज ये अलगो नहीं समझता अच्छी बात है क्योंकि अगर ये समझेगा तो अलगो के अंदर इमोशंस डेवलप होगा ये हम कह सकते हैं तो इफ अ स्ट्रेटेजी विच नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन अलवो तो हम उसके ऊपर हम काम नहीं करते मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत ही सिंपल है मैं यहाँ पे छह लाख का मेरा एक अकाउंट है देखो मेरा एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट क्या है वो मैं कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता लेकिन मैंने यहाँ पे एक ओपन चैलेंज लिया मैंने एक अपना एक सेपरेट अकाउंट मैंने ओपन किया जो मैंने फायरस में किया और अभी इसको दो साल यहाँ पे पूरे होने आ चुके हैं अब दो साल के अंदर मैंने यहाँ पे ये यह चैलेंज लिया कि ये छह लाख को मैं साठ करोड़ ये मैं कन्वर्ट करके मैं बताऊंगा ये मैं करके बताऊंगा और आइट ये प्रॉफिट मेरा होगा छह लाख से साठ करोड़ का और ये करने में मुझे टाइम जाएगा आई आई एक्सपेक्ट मुझे कम से कम यहाँ पे पंद्रह साल मुझे यहाँ पे लगेंगे बट तो जस्ट अज्यूम कि छह लाख आपके साठ करोड़ यहाँ पे बन गए और ये सारी चीज मैं करूंगा ओपन ट्रेड करके जो मेरे ट्रेड होंगे दैट विल बी ऑन अलगो जो मेरे यहाँ पे ट्रेड होंगे वो सेम ट्रेड आप खुद भी यहाँ पे कर सकते हो दैट इज विद द हेल्प ऑफ अल्गो जिसका हमारा हमारा जो अलगो है उसका नाम है ऋषभ ऑटोमेशन क्योंकि आई बिलीव इन अ सिंपल थिंग यू नो मुझे यहाँ पे Uh, you know, जब मैं मरू मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए हो और पूरे जीवन में मैंने यहां पर भी खर्चा ना किया हो इस तरीके की लाइफ मुझे नहीं चाहिए आई डोन्ट बिलीव इनसेप्टैट इज टू लिव पुअर एंड डाय रिच ये कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता इफ यू आर अ काफ्रेडर हू टू ट्रेड विथ मी और राइट जो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे इनकम कमाना चाहते हैं जो यहाँ पे टाइम टेस्टेड फार्मूला अगर आप यहाँ पे अपना के ट्रेड करना चाहते हैं अगर आप यहाँ पे अल्गो से ट्रेड करना चाहते हैं अगर आप ऐसी स्ट्रेटेजी में ट्रेड करना चाहते हैं जो आपको 60 करोड़ तक का पोर्टफोलियो बनाने में आपकी मदद कर सकती है देन ऑल यूनिट व्हाट्सएप में अरियंत लिख के मैसेज भेज दीजिए इस नंबर के ऊपर एंड माई टीम विल गेट बैक टू यू एंड विल गिव यू ऑल द इनफॉर्मेशन नाउ ग्रेट थिंग इज कल एक ऑफर है जो यहाँ पे पूरी हो रही है सो इफ यू वांट टू नो द ऑफर अरियन लिख के मैसेज भेज दोगे तो माई टीम विल गेट बैक टू यू डू नॉट वरी ये छह लाख के जो अकाउंट है इसके ऊपर मैंने जो भी ट्रेड किया उसके मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट नोट लेजर्स सौदा समरी ट्रेड एम आई एस ग्लोबल पी एल ये सारे रिपोर्ट अवेलेबल है एंड द बेस्ट पार्ट इज जो मैं ट्रेड कर रहा हूं मेरे क्लाइंट के अकाउंट में भी ट्रेड हो रहा है तो ये सारी चीजें मेरी भी है और मेरे क्लाइंट्स की भी है ऑब्वियसली इफ माई क्लाइंट्स आर यू नो रेडी टू शेयर विद एनी कैन शेयर

यू you नो know, हमारे जो डेली ट्रेड एमस है उसमें मैं लिख रहा हूँ कि मैं इसको बाय कर रहा हूँ अब देखो ये स्टॉक देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब इसने एक मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दिया है और राइट मल्टी ईयर का ब्रेकआउट देने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो स्टॉक ये गिर रहा है तो एक स्टॉक जो ऑलरेडी एक मल्टी बैगर स्टॉक है अगर किसी कारण से वो रिट्रेस हुआ है तो बाई कर सकते हैं हम इस स्टॉक के अंदर बुलिश है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट और राइट right, इस लेवल के पास इनफैक्ट ये ग्रीन लेवल ये ग्रीन जो कैंडल है इस कैंडल पे हमने भर भर के बाइंग किया देख दना दर हमने बाइंग किया इंट्राडे भी हमने कोई ट्रेड्स लिए इंट्राडे हालांकि मैं करता नहीं हूँ लेकिन मेरे टारगेट्स आ गए तो ऐसे ट्रेड भी किए एंड स्टिल मेकिंग मनी तो आपको पता चलेगा एक मल्टी स्टॉक जो अभी नीचे गिरा हुआ है जहाँ पे सपोर्ट है हमने एक्यूमलेट किया आज ये स्टॉक साढ़े थ्री पॉइंट सिक्स फाइव एफ आई एम नॉट रॉन्ग ये टॉप फाइव गेनर्स के अंदर ये एक स्टॉक था एन एच पीसी ने साढ़े तीन परसेंट का गेन दिया और हमने पे पार्शियल प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर दिया अभी भी मेरे पास इस स्टॉक के अंदर होल्डिंग अवेलेबल है और जैसे जैसे मैं प्रॉफिट बुक मैं करता जाऊंगा आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू और जो भी ट्रेड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये सारे ट्रेड मेरे ओपन ट्रेड होते हैं अब ये सारे ट्रेड के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स मेरे पास हैं लेजर मेरे पास है सौदा समरी मेरे पास है ट्रेड एम आस मेरे पास है ग्लोबल पी एल मेरे पास है जर्नल मेरे पास अवेलेबल है तो इस लिए क्या है कि जो मैं कह रहा हूं वो मैं कर रहा हूं जो मैं कर रहा हूं वो सबके अकाउंट में यहाँ पे हो रहा है एंड इफ यू वांट टू जॉइन मी इन दिस इनिशिएटिव ऑल यू नीड टू डू इज आपको यहाँ पे अरिहंत लिख के मैसेज भेजना पड़ेगा वंस यू डू दैट माय टीम टू यून विल गिव यू ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कोर्स लेकिन मैं सिर्फ एक ही कहूंगा आज से अभी से आपको एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है दैट इज कॉल अ फैक्टर टी सबसे पहले आपको टाइम देना पड़ेगा एनालिसिस करना पड़ेगा आपको यहाँ पे आ, समय आप नहीं दोगे तो आपका कोई काम नहीं बनेगा तो अगर आप टाइम दोगे तो आप अपना एक परसेप्शन डेवलप कर पाओगे आप अपना एक बिलीव डेवलप कर पाओगे आप एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाओगे जब तक टाइम नहीं तब तक कुछ नहीं बिना समय बिना फैक्टर टी के इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है सो इट इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट यू ओनली एंड ओनली यू नो स्पेंड योर टाइम इन डूइंग द एनालिसिस फाइंडिंग अ स्टॉक और ये सारी चीजें इफ यू वांट टू डू विथ मी देन यू जस्ट नीड टू राइट द अरियंत एंड यू नीड टू सेंड ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर हाँ मुझे लगता है कि आज इस सेशन के अंदर मैंने आपको टाइम एंड एनालिसिस के रिगार्डिंग मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की और इसके अंदर आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली भी होगी uh, अगर आज के इस सेशन को एक से दस के अंदर आपको नंबर देने पड़े तो आप कितने नंबर दोगे प्लीज हेल्प मी क्विकली इन अ कमेंट सेक्शन राइट आज के इस सेशन को एक से दस में कितने नंबर दोगे क्विकली जस्ट राइट इन अ कमेंट सेक्शन मुझे ये जान के काफी अच्छा लगा कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू जैसे नवीन दास जी भरत जी शर्मा जी अनिश जी केतन जी Uh, चौसी वाले भाई साहब ज्यादातर लोग स्विंग ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं एंड स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर ये मेरी जो सीरीज है ये चालू रहेगी स्विंग ट्रेडिंग सीरीज का ये चौथा पार्ट था चौथे पार्ट में आई होप मैंने आपको एक इनसाइट देने की मैंने कोशिश की है थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्यूटिफुल कॉमेंट्स एंड नंबर्स टेन आउट ऑफ टेन आपने जितने भी दिए किसी ने दस दिए किसी ने ग्यारह दिए आपने जो भी दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आई एम गोइंग टू सी ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन टेक केयर ऑफ योर हार्ड एंड मनी एंड जय हिंद